पे बैठे हुए सब को मैं सलाम करता हूँ. और पहले एडवोकेट फैज साहब ने इस्लाम में जो शांति है का जो कंसेप्ट है उसके बारे में जो प्रबोधन किया, इसलिए आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सब. और जहाँ सोशल डिसहार्मनी है वहाँ आपके जैसे लोगों का वहाँ प्रबोधन करना, ऐसा लेक्चर देना बहुत ज़रूरी है. मेरा नाम एडवोकेट ए बी निकम. तो सर, मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो बोलते हैं, वैचारिक स्वातंत्र्य, इसके बारे में आपके कुरान में जो प्रोविजन है उसके बारे में बहुत लोगों का गैर समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है सर. एग्नोस्टिक जो लोग है, एथिस्ट जो है, आस्तेयवादी, निरीश्वरवादी और सेक्युलर माइंड के जो लोग है वो आपके मजहब के लोगों को कई बातें ये कॉन्सेप्ट के बारे में पूछने को डरते हैं. तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कितने हद तक इस्लाम में है, इसका आप जवाब दिया तो अच्छा रहेगा. थैंक यू. भाई ने एक अच्छा प्रश्न किया कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की क्या लिमिटेशंस है या कितना उसको दिया गया है और इसका क्या मामला. इसलिए कि बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, गैर मुस्लिम जो भाई होते हैं, वो डरते हैं मुसलमानों से ये प्रश्न करने को कि ये क्या है. ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. याद रखिए, एक व्यक्ति अपना जो उसके कुछ विचार है उसको व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन उस लिमिट्स और उस बाउंड्रीज में कि वो दूसरों को हर्ट ना करे, दूसरों को तकलीफ ना दे और वो सत्य पर हो. ये नहीं कि कोई भी असत्य बात, किसी के बारे में अश्लील बातें, अफवाहें, टोहमे लगने वाली बातें या ऐसी बातें जो सोचते हैं, गॉसिप कहते हैं ना आजकल, पेपर में कॉलम होता है गॉसिप, इस्लाम में ये चीजें हराम है, मना है, याद रखिए. तो एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्लाम में पूरा है, उस लिमिट तक कि वो किसी को तकलीफ ना दे और जो बात वो एक्सप्रेस कर रहा हो वो ट्रूथ हो, वो सत्य हो, याद रखिए. इसलिए कि कुरान ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो भी बात हम कहेंगे, एक्सप्रेस जो भी करेंगे, उस एक्सप्रेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिसमें एक रूल है जो कि अध्याय नंबर जो है सूरह हुजरात अध्याय नंबर उसका 49 उसके अंदर आता है कि वइन जाअकुम फासिकुम बिनबइ फतबय्यनु. एक बहुत गोल्डन रूल दिया कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे मीडिया में हो या न्यूज में आपको रिपोर्ट करना हो, किसी को बात बोलना हो, तो रूल क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कोई खबर लाए, फतबय्यनु, उसको जांच लो, जांच पड़ताल कर लो कि वो खबर सत्य हो, सही हो. ये बेसिक रूल है. तो अगर वो खबर सही नहीं है, जैसा कि अफवाह उड़ा दी किसी ने कि ऐसा हो गया, वो हो गया, चल गई, अब क्या चली किसको नहीं पता, गाड़ी चली, पैसा चले, फटी हुई नोट चली, क्या चल गई, बस चल गई, है ना, और फिर वो बात दूर होता है ना, अफवाह. तो इस्लाम ये कहता है कि उसको वेरीफाई कर लो, आप कोई भी बात आपको सुनाई, वेरीफाई कर लो. और प्रेषित मोहम्मद ने अपने जो है जीवनी में ये बात बताई, जो है हदीस में ये बात आती है कि आपने कहा कि एक व्यक्ति के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है, इधर से, एक व्यक्ति के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी बात को सुने और बस लोगों में बोलता फिरे, कोई बात सुन ली और बोलता फिरे, तो ये एक व्यक्ति के झूठा होने के लिए काफी है. तो इस्लाम ने कुछ रूल्स दिए. पहला ये कि एक आदमी बिल्कुल अपना एक्सप्रेस कर सकता है, उसको जो बातें समझ में आती है वो कह सकता है, लेकिन वो किसी को तकलीफ ना दे, सत्य पर. हाँ, सत्य पर होने के बाद एक को तकलीफ हो सकती, जैसा कि मैं कहूं ये आदमी चोर है तो चोर को तकलीफ होंगी, एक अलग चीज है, लेकिन वो सत्य पर है वो एक अलग है. हवाई बातें ना हो, गेस वर्क ना हो, गॉसिप जिसको कहते हैं, झूठी बातें ना हो. ठीक है, तो अगर एक बात आदमी कहता है जो सत्य हो, विद इन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज हो, दूसरों को उससे कोई तकलीफ ना होती हो, और वो रूल्स के कि सत्य हो, झूठी खबर ना हो, सुनी हुई बात ही ना हो, बल्कि वेरीफाइड चीज हो कि हाँ ऐसा हुआ है, तो वो बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकता है, इस्लाम उसको परमिशन देता है, याद रखिए.
دیتا ہے اور خود پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جیونی میں آپ کے سامنے صحابہ آپ کے انویائی آتے اور بہت ساری باتیں کہتے اور آپ سنتے ان سے یہ نہیں کہتے میں پریشت ہوں تم کو وہ بولنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے مجھے تو جو ہے ایشوانی آتی ہے تمہاری باتیں کیا رہیں گی آپ سنتے تھے ان کی باتیں ایکسپریس وہ کرتے تھے ایسا ہے ہم ویسے تھے ہمارا پہلا دور ایسا تھا ہم اتنی برائی میں تھے آپ ایکسپریس کرتے اور بہت ساری باتیں وہ ایکسپریس کرتے لیکن اس کے لیے گولڈن رولس یہ تھے کہ وہ ویریفائڈ ہو بات لانے والا اوتھینٹک سورس ہو بات کسی کو تکلیف نہ دیتی ہو تو انسان بالکل اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتا ہے بتا سکتا ہے جس میں کسی کی نندہ کسی کی برائی اس میں بیان اگر نہ ہوتی ہو تو اسلام اس کی پوری انومتی دیتا ہے کہ ایک آدمی ایک ویکتی چاہے وہ مسلم سماج میں ہو غیر مسلم سماج میں رہتا ہو اپنی بات کو جو ہے ویکت کر سکتا ہے کسی نے جو ہے ایک